तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो वैसे तो 2023 और 2024 में बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं जो कि थिएटर्स और सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस लिस्ट में बताने वाला हूँ टॉप 15 मूवीज़ जिनका के बजट बहुत ही बड़ा है, यानी कि बिग बजट मूवीज़ है। इसमें मैंने छोटे बजट से लेकर बड़े बजट तक आने वाली मूवीज़ को ऐड किया है और मैंने साउथ और बॉलीवुड की मिक्स मूवीज़ को ऐड किया है। वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं लेकिन मैंने सिर्फ 15 मूवीज़ को ऐड किया है। सारी मूवीज़ को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लाजमी बना दूंगा। तो अगर आप लोगों को भी जानना है 15 कौन सी बड़ी मूवीज़ हैं जो कि बिग बजट में बनी हुई हैं तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करते हैं छोटे बजट से, क्योंकि छोटे बजट से फिर बड़े बजट की तरफ जाएंगे। तो नंबर 15 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है थंगलान। तो गाइस ये एक तमिल मूवी है और इस मूवी के लीड में आपको चिया विक्रम देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी को 2023 में ही रिलीज़ किया जाएगा, डेट अभी कन्फर्म नहीं की गई। और इस मूवी का जो बजट है वो है 110 करोड़ रुपए का बड़ा बजट। नंबर 14 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है गणपत पार्ट 1। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी की मूवी है। मूवी की लीड में आपको टाइगर श्रॉफ देखने को मिलेंगे और इस मूवी को 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया जाएगा। इस मूवी के अगर बजट की बात करूँ तो इस मूवी का बजट है 150 करोड़ रुपए का बड़ा बजट। नंबर 13 पर जो मूवी है वो है एनिमल। तो इस मूवी की भी ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी के लीड में आपको रणबीर कपूर देखने को मिलने वाले हैं और ये मूवी 11 अगस्त 2023 को रिलीज़ की जाएगी। और इस मूवी का जो बजट है वो भी है 150 करोड़ रुपये। नंबर 12 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है हरा हरी वीरा मालू। तो गाइस ये एक तेलुगु मूवी है। मूवी के लीड में आपको पवन कल्याण देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो भी कन्फर्म नहीं की, लेकिन 2023 में ही ये मूवी आने वाली है। इस मूवी के अगर बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट है 180 करोड़ रुपये का बड़ा बजट। नंबर 11 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है जेलर है। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल की मूवी है। मूवी के लीड में आपको रजनीकांत देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी को 10 अगस्त 2023 को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाएगा। बात करें मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट है 200 करोड़ रुपये। नंबर 10 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है SSMB 28। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु की मूवी है। मूवी के लीड में आपको महेश बाबू देखने को मिलने वाले हैं और ये मूवी 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ की जाएगी और इस मूवी का भी बजट 200 करोड़ रुपए है। नंबर 9 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है जवान। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी की मूवी है। मूवी के लीड में आपको शाहरुख खान देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी 7 सितंबर 2023 को थिएटर्स में रिलीज़ की जाएगी और इस मूवी का जो बजट है वो है 220 करोड़ रुपए का बड़ा बजट है। नंबर 8 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है सलार। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु की मूवी है। मूवी के लीड में आपको प्रभास देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी को 28 सितंबर 2023 को रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी का जो बजट है वो है 240 करोड़ रुपए का बड़ा बजट। नंबर 7 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है फाइटर। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी की मूवी है। इस मूवी के लीड में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी को 25 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया जाएगा। और इस मूवी के अगर मैं बजट की बात करूँ तो इस मूवी का बजट है 250 करोड़ रुपए का बड़ा बजट। नंबर 6 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है लियो। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल की मूवी है। मूवी के लीड में आपको विजय थलापति देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी को 19 अक्टूबर 2023 को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाएगा। और इस मूवी के अगर बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट है 250 करोड़ रुपए का बड़ा बजट है। नंबर 5 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है टाइगर 3। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी की मूवी है। मूवी के लीड में आपको सलमान खान देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी की अगर मैं रिलीज डेट की बात करूं तो इस मूवी को 10 नवंबर 2023 को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाएगा। और इस मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट है 300 करोड़ रुपए का बड़ा बजट है। नंबर 4 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है देवरा। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु की मूवी है। इस मूवी के लीड में आपको जूनियर NTR देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी को 5 अप्रैल 2024 को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी का भी जो बजट है वो है 300 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है कंगवा। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल की मूवी है। मूवी के लीड में आपको सूर्या देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी को 2024 में रिलीज़ किया जाएगा। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई लेकिन 2024 में ये मूवी रिलीज़ की जाएगी। और इस मूवी की अगर बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट है 350 करोड़ रुपए का बड़ा बजट है। नंबर 2 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है पुष्पा दी रूल पार्ट 2। तो गाइस ये ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल की मूवी है। मूवी के लीड में आपको अल्लू अर्जुन और राश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाली है और इस मूवी को दिसंबर 2023 में ही रिलीज़ करने का प्लान किया जा रहा है, अभी कन्फर्म नहीं किया गया। बात करें इस मूवी की अगर बजट की तो इस मूवी का भी बजट 350 करोड़ रुपये है।
तो फाइनली नंबर वन पर जो मूवी है उसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, यानी कि आदि पुरुष। ये ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी की मूवी है। इस मूवी के लीड में आपको प्रभास और कृति सनन देखने को मिलने वाले हैं और ये मूवी 16 जून 2023 को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। और इस मूवी के अगर बजट की बात करूँ तो इस मूवी का बजट है 600 करोड़ रुपए का, बड़ा बजट है। तो ये थी 15 मूवीज जो 2023 और 2024 में आने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो पे ये 16 कंप्लीट करवा देते हो तो मैं इसका पार्ट 2 लाजमी बनवाऊंगा। बाकी और भी बहुत बड़े बड़े बजट में बनने वाली मूवीज आने वाली है, लेकिन एक लिस्ट में मैं सारी मूवीज ऐड नहीं था कर सकता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर लोग ज्यादा देखते नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ 15 मूवीज को ऐड किया है। अगर आप लोग बहुत सारा प्यार इस वीडियो पे दिखाते हो तो मैं पार्ट 2 लाजमी बनाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।